तो हमने देखा कि आलू स्वतंत्र रूप से खाने की जगह पर आज हमने आलू के विभिन्न व्यंजनों के नाम पर टिक्की और समोसे हमने खाना शुरू कर दिए, हमने चिप्स बना करके खाना शुरू कर दिए। जो तला हुआ आलू है वह पॉइजन का काम करता है, इसलिए यदि आप तल करके आलू खाते हैं तो आप आलू नहीं खा रहे होते हैं, इसको तेल में तल करके जो तेल जो पॉइजन बन जाता है वह आप अपने अंदर ले रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाई आप ध्यान रखें, आलू को आलू रहने दें, आलू को कभी आप इस तरह से जहर ना बनने दें। इसीलिए मैं सभी बच्चों से, ठीक है, प्रयत्न करिए कि दैनिक आहार में बहुत ज़्यादा आलू का सेवन करने से, क्योंकि यह मल की मात्रा को बढ़ाता है, यह आलू जो है यह शरीर के अंदर आलस्य को बढ़ाता है, यह आलू के स्थूलता को, मोटापे को बढ़ाता है। परंतु कभी कभी यदि उचित मात्रा में आलू का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपके लिए गुणकारी हो सकता है, आपके जीवन को स्वस्थ बनाने में सहायक हो सकता है। पर सावधान, कभी भी भूल करके भी चिप्स या दूसरे इस तरह के किसी भी पदार्थ के रूप में आप आलू का सेवन कदापि ना करें, क्योंकि इस तरह से यदि आप आलू का सेवन करते हैं तो वो आपको भयानक नुकसान पहुंचाएगा। आपके पेट के लिए, आपके इंडाइजेशन जैसी बीमारी के लिए आलू बहुत ही अच्छा है। आलू को आप कोयले में भून लें, उस आलू को, उसके छिलके को हटा करके उसको आप थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा नींबू डाल करके आप उसका सेवन करिए, वह आलू अत्यंत आपको स्वादिष्ट भी लगेगा, वो रुचिकर भी होगा और वो आपके लिए, आपके पेट के लिए, आपके इंडाइजेशन जैसी बीमारी के लिए वह लाभ करेगा, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप आलू को उबालते हैं, उबलने के बाद में आलू को आप उसके अंदर, उस आलू में बहुत मिर्च मसाले ना लगा करके सामान्य नमक डाल करके उबले हुए आलू को, वैसे ही जैसे बंगाल वगैरह में आलू चाप वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से आप सिर्फ उसको सामान्य रूप से उबले हुए आलू का सेवन करिए। आलू बेचारा मारा गया गलत संगत की वजह से। इस दुनिया में भी जब आदमी गलत संगत में पड़ जाता है तो लोग उसके गुणों को नहीं देखते हैं, उसके अवगुणों को ही देखते हैं। सही संगत में जाता है तो फिर गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तो आलू गलत संगत में पड़ गया, तेल के संगत में चला गया, इसलिए आलू ज़्यादा बदनाम हुआ। तो हम तेल से आलू को बचा करके रखें। बिना तेल का जो आलू का सेवन है वह आपके लिए इतना कई रोगों में नुकसानदायक नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आलू है, आलू तो खाद्य के रूप में, फिर वह आपके पौष्टिकता को बढ़ाएगा, आपकी शक्ति को भी बढ़ाएगा, आलू ताकत भी देगा। ज़्यादा आलू खाएंगे तो ज़्यादा आप आलस्य को पाएंगे, कम आलू खाएंगे आप देह में स्फूर्ति पाएंगे। किसी भी पदार्थ का कोई भी डोज होता है तो आलू को आप थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें तो उससे शुक्र की वृद्धि होती है। कम आलू खाने से वह पौष्टिकता का काम करता है और ज़्यादा आलू खाने से वह आलस्य को बढ़ाता है। तो आलू का सेवन आप उचित मात्रा में करें।